नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। गोकशी की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस पर आरोपी पक्ष के लोगों ने जमकर पथराव किया, जिसमें थाना प्रभारी की गाड़ी का पिछला हिस्सा टूट गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नाहटोर थाना क्षेत्र में गांववाली नगर में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खुर्शीद के घर में गोकशी हो रही है। सूचना पर दौड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने गोवंश का मांस बरामद किया है, जबकि गोकशी में शामिल तमाम उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मौके से पुलिस ने एक आरोपी खुर्शीद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान खुर्शीद के परिवार वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी की गाड़ी का पिछला हिस्सा डैमेज हो गया। आनन फानन में सूचना पर पहुंचा क्षेत्राधिकारी धामपुर ने मामला शांत करवाया। उधर पुलिस ने आरोपी खुर्शीद व पथराव में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी खुर्शीद को जेल भेज दिया है और मामले में जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली कि अली नगर गाँव में खुर्शीद के घर में गोबध हुआ है। प्रभारी निरीक्षक मैं पुलिस बल के खुर्शीद के घर में गए, तलाशी लिए, वहां पर गोमांस मिला और कुछ और साक्षी मिले। एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर के गाड़ी में बैठ गए, चलने लगे। चलते समय खुर्शीद के परिवार वालों ने शोर मचाया तो दो तीन घरों के पड़ोसी लोगों ने उसके ऊपर पत्थर चलाए, जिससे गाड़ी के पिछले हिस्से तक पत्थर पहुंचा। पुलिस सक्सेसफुल उसको लेकर के आई। पुलिस को किसी प्रकार की चोट नहीं है। वहां पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक एवं अन्य पुलिस बल मौजूद है। सख्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, संपत्ति की कुर्क होगी, हिस्ट्री सीट खोला जाएगा एवं गैंग का भी पंजीकरण किया जाएगा। जितनी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, विधि के अनुसार अमल में लाई जाएगी।